Hello, students. Welcome to this brand new session of Akash Baiju's NEET. Today's session is going to be very important for all of the students preparing for NEET 2023 because understanding the syllabus and the weightage of different chapters, different units, and understanding what type of questions come from which chapter is very, very important for the preparation, right? So, now that we have begun our preparations in full swing, ये जानना बहुत जरूरी है इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है नॉट जस्ट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क फॉर बेस्ट रिजल्ट राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड लेट्स सी अगर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं राइट नॉट जस्ट नीड वे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीन चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट थिंग राइट सो पहली चीज क्या कि हमसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा राइट वॉट इज द सिलेबस वॉट ऑल चैप्टर वॉट ऑल इन्फॉर्मेशन वी नीड टू हैव सो नोइंग योर सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं राइट right? तो अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वॉज सेकेंड थर्ड थिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग गुड फील फॉर इट दैट आप जब टेस्ट लिखते हो तो किस तरीके का टेस्ट होता है अगर आप मॉक टेस्ट लिखते हो मतलब क्या हुआ आप उसी पैटर्न के टेस्ट को बार बार लिख के अच्छे से समझ रहे हो यू आर गेटिंग अ कंप्लीट फील फॉर इट एंड यू आर बिकमिंग कंप्लीटली रेडी फॉर द फाइनल एग्जाम राइट तो यह तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम स्टार्टिंग uh, में होते हैं प्रिपरेशन की राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलेबस अच्छे से समझना और प्रीवियस क्वेश्चन करते जाना राइट right? एक बार जब हमने सिलेबस अच्छे से कर लिया है उसके बाद हम रिवीजन करते हैं राइट जनरली वी स्टार्ट द रिवीजन एट लीस्ट फोर टू फाइव मंथ्स बिफोर द फाइनल एग्जाम एंड उसमें वी मेक श्योर की मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा हम लिख सकते हैं एंड उससे हमारी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है राइट right? सो so, ये बेसिक टेनेंट्स है तीन टेनेंट्स आज के सेशन में मैं फोकस करने वाली हूं फर्स्ट पॉइंट पर विच इज नो योर सिलेबस राइट तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम देखेंगे कितने यूनिट्स हैं कितने चैप्टर्स हैं एंड कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किन चैप्टर से इजी मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एंड देन आई एम गोइन टू शो यू अ अलॉट ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स एंड चार्ट जो कि हमने एनालाइज करके प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके बनाया है और एट द एंड ऑफ इट आई एम गोइंग टू गिव यू विच चैप्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी एज वेल एज वेरी स्कोरिंग राइट तो वो चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से करना है आपको राइट ओके सो राइट तो सिलेबस क्या है हमारा फिजिक्स का का सिलेबस इलेवेंथ प्लस ट्वेल्थ एनसीआर टेक्सट बुक राइट अब पूरे सिलेबस को 11th plus 12th को मिलाकर के हम फाइव यूनिट्स में डिवाइड uh, कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर राइट तो अब देखते हैं कौन कौन सी फाइव यूनिट्स है पहली बात तो मैकेनिक्स मैकेनिक्स जो है काफी uh, बड़ा यूनिट होता है बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड सो ऑन गोइंग टिल वेव्स राइट वेटेज जो होता है 42 टू 46 परसेंट होता है एंड आउट ऑफ 50 यू कैन एक्सपेक्ट अप्रोक्सिमेटली 21 और 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सिमेटली राइट विच इज अ गुड चंक ऑफ क्वेश्चंस अब अगर धर्मों की बात करते हैं हम धर्मो कालेक्ट्रोमैगने की बात करते हैं अगर हम तो करीब ग्यारह से तेरह बारह क्वेश्चन ऑप्टिक्स से हम चार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड मॉडर्न फिजिक्स से हम चार से छह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट right? तो ये तो हो गया यूनिट्स कौन कौन से हैं यूनिट तो है, वाइज वेटेज कैसा है राइट right? अब इसी वेटेज को अगर हम इस पाई चार्ट में देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आता है राइट राइट विजुअली समझ में आता है है कि देखो इतना बड़ा पोर्शन मैकेनिक्स का है, right? 46 तो हम देख सकते हैं कि मैकेनिक्स बड़ा है भी ज्यादा चैप्टर्स भी हैं और ज्यादा वेटेज भी आता है एंड इन चैप्टर्स में से कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी जिससे कि आप पिक कैन चूज कर सके कि, कि भाई ये चैप्टर तो पक्के पक्के पक्का करना है राइट right? यस yes. अब देखिए मैकेनिक्स 46% इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 26% एज यू कैन सी मॉडर्न फिजिक्स एप्रोक्सीमेटली 11% ऑप्टिक्स 11% एंड हिडन थर्मो 6% राइट right? अब चलिए चैप्टर्स की बात करते हैं अब यहां पर राइट right? चैप्टर वाइज वेटेज की अगर मैं बात करूंगी तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट इटसेल्फ मैकेनिक्स को जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं मैकेनिक्स मैकेनिक्स एंड जस्ट जस्ट टू फॉर आर ईज ऑफ यू नो हैंडलिंग राइट तो मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट काइनामेटिक्स न्यूडन लॉज ऑफ फ्रिक्शन मोशन एंड फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर कोलिजन सेंटर ऑफ मास रोटेशन राइट ये सारे चैप्टर्स आते हैं एज यू कैन सी काफी स्प्रेड आउट पेपर होता है नीट का मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में से एक ना एक क्वेश्चन आता चला जाता है बट कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं राइट right? और कुछ चैप्टर्स होते हैं हैंडफुल ऑफ जिनमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि रोटेशन को छोड़ के रोटेशनल डायनेमिक्स जनरली थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए बट अगर हम रोटेशन को छोड़ के बाकी चैप्टर्स की बात करें तो मोस्टली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट डेफिनेटली इजी क्वेश्चंस आते हैं वर्क एनर्जी पावर डेफिनेटली इजी क्वेश्चंस आते हैं कई बार काइनामेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ जाते हैं राइट right? अब मैं यहां जो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट डिफिकल्टी लेवल की बात कर रही हूं डोंट वरी अबाउट इट ये स्टूडेंट्स के लेवल का ही लेवल दैट स्टूडेंट्स फाइंड इट नीट स्टूडेंट्स फाइंड इट इजी मॉडरेट डिफिकल्ट राइट टीचर्स की बात नहीं कर रहे हम यहां ओके okay. अब अगर हम मैकेनिक्स टू की बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि SHM, solids and fluids, gravitation wave. These are the chapters that we are talking about. And SHM को छोड़ के यहाँ पे SHM से कई बार थोड़े higher difficulty level questions बन जाते हैं. But solids and fluids, gravitation and waves easy questions आते हैं बेटा. Easy to moderate. तो इन chapters को specially ये दो chapters को तो छोड़ना ही नहीं है. राइट right? कई बार होता है बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है कोई चैप्टर या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता है तो बच्चे छोड़ देते हैं ये नहीं सोचते है कि से शोर्ण शोर्ण आते हैं right? तो कि है okay. right? ये सारे इलेवेंथ ग्रेड के चैप्टर्स हैं राइट right? ग्रेड में ही पढ़ाया जाता है हीट एंड थर्मो अगर आप देखोगे तो इन चैप्टर्स की हम जो बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर थर्मल फिजिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये पूरे के पूरे के इजी क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आउट हियर आर इजी राइट तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन यहां से एंड इन चैप्टर्स में सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सिंपल वेरी सिंपल डायरेक्ट एनसीआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है इन चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है छोड़ना नहीं है है ना? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म से हम स्टार्ट करते हैं राइट कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो कितना वेटेज है दो क्वेश्चन फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड इजी करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कभी कभी पढ़ते समय लग सकता है कि दीज आर यू नो फॉर्मुलेज याद करने में या अप्लाई करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है आपको बट एक बार आप समझ जाओ तो एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं डायरेक्ट नोट्स में जो हम आपको देते हैं ना बिल्कुल नोट्स से क्वेश्चन उठ के आते हैं इनफैक्ट नीट 2022 का जो आपने हमारा पेपर एनालिसिस अगर देखा होगा तो आपको दिखेगा कि पेपर में ही मैं मार्क करती जा रही थी कि ये तो देखो डायरेक्ट नोट से आए हैं ये डायरेक्ट नोट से आए हैं क्वेश्चंस के क्वेश्चंस डायरेक्ट डीपीपी और होमवर्क क्वेश्चन से आ जाते हैं राइट right? यस yes. अब

यूनिट विच इज ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये तीन पार्ट्स में होता है राइट एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी मॉडरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं सो देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू राइट अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है चैप्टर तो आप सोच सकते हैं ओके दीज टू क्वेश्चन अभी तो प्रिपरेशन का बिगिनिंग है आई डोंट वॉन्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिमूविंग एनी चैप्टर आउट देयर ये आप बाद में एग्जाम में जब एक महीना बचा होता है तब आप सोचो कि अरे बाय नाउ आई हैव ट्राइड हैथिंग एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू अ चैप्टर देन लेट इट गो बट अदर देन दैट दीज आर आराम से डुएबल क्वेश्चन ओके इनके भी क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट नोट्स में से कई बार आते हैं सेम I say से डिफिकल्ट इन केस ऑफ geometrical ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बस एक चीज आ जाती है कि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं कई बार लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार आपको दो फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं चीजों को निकालने के लिए दैट्स इट राइट ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न फिजिक्स राइट मॉडर्न फिजिक्स ट्वेल्थ ग्रेड का एक ऐसा यूनिट है जिसमें से पूरा इजी क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो दिस इज वन यूनिट दैट यू शुड नॉट नेवर एवर लीव एनीथिंग आउट ऑफ राइट दीज आर वन ऑफ में जो आपसे बात कर रही थी ना कि आसान यूनिट और आसानी से ग्रैब करने वाले क्वेश्चन ग्रैब करने वाले मार्क्स उन्हीं की बात कर रही हूं मैं यहां राइट तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन अटोम फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स सेमी कंडक्टर्स पूरे इजी क्वेश्चन आते हैं यहां से आप पांच छह क्वेश्चन मान के चल सकते हैं एंड मेक श्योर यू रिमेंबर द फॉर्मुलेज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पी वाई क्यूज कर लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन और एनसीआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं राइट ओके okay. अब जब मैंने आपको इजी मॉडरेट डिफिकल्ट चैप्टर वाइज बता दिया है और चैप्टर वाइज ये बता दिया है कि कितने क्वेश्चन जनरली आते हैं लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर इन अ चार्ट ठीक है इससे आपको और अच्छे से विजुअल क्लियर हो जाएगा देखो अगर मैं पचास क्वेश्चंस की बात करती हूं उनमें से 60 परसेंट पेपर फिजिक्स का पेपर नीट का 60 परसेंट इजी होता है राइट right? इजी मतलब स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है एंड मॉडरेट की अगर मैं बात करती हूं तो 25 से 30 परसेंट मॉडरेट होता है एंड 10 से 15 परसेंट खाली डिफिकल्ट होता है तो मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि 85 फाइव टू 90 परसेंट ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी ईजी टू मॉडरेट एंड वेरी वेरी डूएबल अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आपने पीवाई क्यूज कर लिए हैं, जो कि आपके हाथ में है, बाय द वे, राइट? तो बस इतना ही जरूरत है आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं आपको फॉर्मुलेज याद हैं, आपने पीवाई क्यूज कर रखे हैं और आपने बेसिक प्रैक्टिस कर रखी है हम जो होमवर्क देते हैं जो वर्कशीट देते हैं आप जहां भी पढ़ रहे हो राइट right? वहां की आपने बेसिक प्रैक्टिस कर रखी है अगर आप आकाश बाइजूस के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो मिलता ही है राइट right? इतना ही रिक्वायर्ड है एंड आउट ऑफ अंडरस्टैंड दिस आउट ऑफ हंड्रेड एंड एटी इन फिजिक्स दिस कैन ईजली स्कोर यू वन फिफ्टी फाइव टू वन सिक्सटी राइट एक सौ पचपन एक सौ साठ का स्कोर आप आराम से लेके आ सकते हैं लुकिंग एट ओनली

उसमें आप अगर फिजिक्स में 150 फिफ्टी प्लस वन लेके आ जाते हैं तो आपका तो काम बहुत आसान हो गया है ना बस इन्हीं की बात में कर रही हूं अगर हम ग्रेड वाइज वेटेज देखते हैं तो करीब करीब बराबर होता है 50 50 परसेंट आते हैं इलेवेंथ में से भी ट्वेल्थ में से भी तो वेदर यू आर अ फ्रेशर और ड्रॉपर डोंट नेग्लेक्ट इलेवेंथ ग्रेड राइट इलेवंथ ग्रेड की भी एनसीआर उतनी अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है जितनी हम ट्वेल्थ ग्रेड की पढ़ रहे हैं ग्रेड है जितना हम ट्वेल्थ नॉट मिस आउट ऑन एट ऑल राइट जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला अलोंग विद हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क गिव्स यू अ गुड रैंक अ गुड रिजल्ट राइट हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की बात कर रहे हैं हम सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग्स मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में करवाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है ये राइट मॉडर्न फिजिक्स पूरा पूरा का पूरा करना है नहीं छोड़ना है बिकॉज शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू चैप्टर्स राइट एक्सेप्ट फॉर से रोटेशन ऐसे अगर आप थोड़ा छोड़ दो राइट और थोड़ा सा वेव्स अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर इजी टू मॉडरेट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल राइट right? नीट में जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं होते रहते हैं, होते रहते हैं राइट सो यो वी की अगर मैं बात करती हूं इलेक्ट्रोमैगनिज्म देन इलेक्ट्रोस्टिक्स करते हो सकते हैं, right? होते हैं. अगर आप AC की बात करते हो दैट्सो वेरी इजी क्वेश्चन सो ई एम आई को थोड़ा सा अगर छोड़ दो आप मतलब ई एम आई एक्सेप्ट फॉर मे बी समय और इलेक्ट्रोस्टाटिक्स um, के थोड़े क्वेश्चन उनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं इजी टू मॉडरेट हिडन थर्मोडायनेमिक्स एंटायरली इजी राइट 11th ग्रेड के सबसे एंड में आपको पढ़ाया जाता है ये एंटायरली इजी मेक श्योर यू डू नॉट लीव आउट अ सिंगल फॉर्मूला इन हियर राइट सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ना है इसका एंड आपको इतनी सारी चीजें हम जो पढ़ाते रहते हैं राइट राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस

एंड ट्वेल्थ की क्लासेस होती हैं ट्यूजडेज और ट्वेल्थ मतलब का सिलेबस ट्यूजडेज और थर्सडेज को ठीक है अगर आपको नहीं पता था अभी तक तो आइए अटेंड करिएव नॉट ज्वाइंट आर टेलीग्राम चैनल uh, तो हम सारे नोट्स राइट right, जो हमारी क्लासेज होती है उनके सारे नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं राइट right?

ड्रॉपर्स बैच में हम ये समझ के बढ़ाते हैं कि आपने एक बार कर रखा है सिलेबस तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत अच्छे से एक लेवल ऊपर आपका करवाते हैं राइट सो ड्रॉपर्स बैच भी दो बजे टू पी एम फिजिक्स की क्लासेस होती है एंड मंडेज एंड वेन्सडेज नाउ आकाश बाय जूज ऐप फ्री है अभी जैसा कि मैंने आपको बोला पीवाई क्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट राइट फ्री ऐप है डाउनलोड करो एंड प्रैक्टिस करो रोज मैं ये रोज क्लास में बोलती हूँ कि आप क्लास अटेंड करो अटेंड करने के बाद जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सिक्सटी क्वेश्चन एवरी डे राइट फिजिक्स के खाली ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम आकाश बाइजूज ऐप में सारे क्वेश्चन हैं राइट आप कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको टारगेटेड uh, जर्नी में भेजा जाएगा टारगेटेड आपको जर्नीज मिलेंगी टारगेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बार बार आएंगे जिनमें आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं जो आपका स्ट्रांग है वो आपका कम आएगा हर एक बच्चे को अलग अलग जर्नी मिलेगी ये हमारा एलगोरिदम इंश्योर करता है राइट डिपेंडिंग ऑन वॉट यू नीड बेसिकली एंड वन लास्ट थिंग अ वेरी क्विक रिमाइंडर अगर आपने एंथे के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है सो मेक श्योर यू डू दैट बिकॉज गाइस कई मौके होते हैं जो लाइफ में बार बार नहीं आते हैं दिस इज वन सच इफ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट इफ यू आर यू कम फ्रॉम मे बी अंडर प्रिवलेज बैकग्राउंड या फिर आप गर्ल चाइल्ड हैं और आप थोड़े अंडर प्रिवलेज बैकग्राउंड से आती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं हमारे आकाश बैजूज के नीट सब्सक्रिप्शन में आपको 100% तक स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं देर आर कैश रिवॉर्ड्स ऑल्सो अगर आप सोचते हैं कि आप में केपेबिलिटी uh, है बट आपको मौका नहीं मिल रहा है तो दिस इज योर चांस राइट and for a very few deserving candidates there will be a chance to go to nasa a fully paid trip to nasa right if you love physics how can you miss this chance so make sure you do register registrations open here all right and i'm going to leave you with one small uh, very very close to my heart quote एक्सीलेंस इज नॉट अट्सिट्यूडर अगर आप किसी चीज में एक्सेलेंस पाना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड होता है आप उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं आप, आप उसी तरीके से काम करते हैं जिससे एंड में आपकी एक्सीलेंस निकल के आती है राइट सो विथ दिस आई होप यू स्टे स्ट्रेस फ्री हैप्पी हेल्दी नेक्स्ट टाइम Happy learning guys. Bye bye.